हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ और स्वागत करता हूं स्मार्ट सिटी सूरत में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूरत मेट्रो का लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, सूरत में मेट्रो के दो रूट तैयार किए जा रहे हैं, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। तो रेड लाइन की अगर मैं बात करूँ तो सरथाना से ड्रीम सिटी 22 किलोमीटर लंबाई रूट है। वहीं पर ग्रीन लाइन की अगर मैं बात करूँ तो 19 किलोमीटर लंबा रूट है, जो कि स्टार्ट होती है सारोली से और जाएगी वेसन। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ग्रीन लाइन का लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं, और इस 20 किलोमीटर के रूट में यानी 19.26 किलोमीटर लंबे इस रूट में टोटल 18 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेशन इसका बनाया जा रहा है वो सारोली में बनाया जा रहा है। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे सारोली से, और देखते हैं कि सारोली से और 10 किलोमीटर तक का हम पूरा अपडेट कवर करेंगे। तो इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में देखते हैं कितना काम हुआ। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर वगैरह बना के कंप्लीट कर लिए गए हैं, और कुछ हिस्से में इसका लॉन्चिंग का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और इस पूरे रूट को बनाने में जो कंपनी काम कर रही है वो दिल्ली बिल्ड कॉइन कंपनी यहाँ पे काम कर रही है दोस्त, और ये पूरा रूट एलिवेटेड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था जहाँ पे लॉन्चिंग का काम कुछ पिलरों पे कंप्लीट नज़र आया था, तो उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आता है सारोली का मेट्रो स्टेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉन्चिंग का जो काम है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है, यानी पिलर वगैरह बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अगर हम सारोली की साइड से अगर हम गिनते हैं तो ये पहला मेट्रो स्टेशन है जो कि बनाया जा रहा है सारोली में, और सारोली मेट्रो स्टेशन इसको बोलते हैं। तो बढ़ते हैं इसी तरह से आगे की साइड में, और आपको 10 किलोमीटर तक का पूरा कंटिन्यू अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सूरत मेट्रो का। तो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक लॉन्चिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे लॉन्चिंग मशीन लगी है, उससे आगे का जो काम है पिलर वगैरह बन के कम्प्लीट हो चुके हैं कैप के साथ, और इसी साइड हम लोग चलने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम लोग सूरत मेट्रो ग्रीन लाइन का अपडेट देख रहे हैं, जिसका काम काफ़ी प्रगति पर दोस्तों किया जा रहा है। तो हम इसी साइड में चलने वाले हैं। तो ऊपर से आप देख सकते हैं इसका व्यू, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच से होके ये मेट्रो का काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अपने YouTube चैनल पे मेट्रो का अपडेट डाला है सूरत मेट्रो का। फ्रेंड्स, सूरत मेट्रो जिसका दो फेसेस में काम किया जा रहा है, एक रेड लाइन और ग्रीन लाइन, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 40 किलोमीटर लंबा ये रूट है, जो कि 38 स्टेशनों के साथ इसका काम किया जा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं ग्रीन लाइन का अपडेट, तो इसका जो काम है वो पूरी तरह से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी स्पीड से इसका काम किया जा रहा है, और दिसंबर 2027 तक इसकी डेडलाइन
दी गई है। और बात करते हैं इस मेट्रो के बजट की, तो 12,000 करोड़ की लागत से इस दोनों रूट को कंप्लीट किया जा रहा है दोस्तों, जिसका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भारत कैंसर हॉस्पिटल के पास, जहां पे इस मेट्रो का दूसरा स्टेशन बनाया जा रहा है। अभी हमने जो फर्स्ट इसका मेट्रो स्टेशन देखा था वो सारौली में बनाया जा रहा था, अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे इसका दूसरा मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सारौली की साइड से अगर हम गिनते हैं तो ये मेट्रो का दूसरा स्टेशन है। यहाँ के काम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का काम भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पिलर वगैरह बना के कंप्लीट कर दिए गए हैं, ऊपर कैप का भी काम पूरी तरह से कंप्लीट नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ये अपडेट देख रहे हैं जो कि सूरत मेट्रो का है मेरे यूट्यूब चैनल। तो अभी हम थोड़ा आगे आए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पिलरों का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जैसे कि हमने अभी पीछे की साइड में देखा था, वहाँ पे लॉन्चिंग मशीन लगी है और लॉन्चिंग का जो काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा था। तो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिलरों को स्ट्रक्चर वगैरह कस के रेडी कर दिया गया है। अभी जो यहाँ पे काम बाकी है वो कैपिंग का काम बाकी है, किसी किसी पिलरों पे आपको विद कैप के साथ पिलर रेडी होते हुए नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। और हम इसी साइड से आए हैं अभी, जहाँ पे बड़ी लॉन्चिंग मशीन लगी है यहाँ पर लॉन्चिंग का काम है वो कम्प्लीट जैसा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो अपडेट देख रहे हैं वो ग्रीन लाइन का अपडेट देख रहे हैं सूरत मेट्रो का। तो ये सारौली से स्टार्ट होती है और इससे 500 मीटर की दूरी पर हमारे भारत की सबसे बड़ी परियोजना बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी इससे 500 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है। तो वहीं से ये स्टार्ट होती है सूरत मेट्रो ग्रीन लाइन। तो फ्रेंड्स, ये जो आप एरिया देख रहे हो ये मार्केट का एरिया है, यानी टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है, और ये सूरत मेट्रो यहीं से होके निकलने वाली है, जो कि इससे आगे जो इसका स्टेशन बनाया जा रहा है वो उधना दरवाज़ा के पास इस मेट्रो का स्टेशन बनाया जा रहा है। और अभी हम सीधे चलते हैं। तो यहाँ के मैं अगर काम की बात करूँ तो यहाँ का कोई कोई पिलर का काम कम्प्लीट कर लिया गया है और किसी किसी पिलर का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये पूरा मार्केट का एरिया है, जो कि टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है दोस्तों। तो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी काम काफ़ी स्पीड से किया जा रहा है, हालांकि पिलरों का काम कंप्लीट हो चुका है तो ऊपर कैपिंग का काम अभी बाकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी फाइनल जो डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2027 की, इसकी फाइनल डेडलाइन दी गई है। तो अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों इसको बनने में, क्योंकि 3 साल का भी समय लगेगा इस पूरे रूट को कम्प्लीट होने में। Thank you.
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा सूरत मेट्रो का लेटेस्ट अपडेट ग्रीन लाइन का, जो कि ये स्टार्ट होती है दोस्तों सारोली से और ये जाती है वेसन तक। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इसी तरह के नए नए अपडेट देखने हैं दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हमारे भारत में कई ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम किए जा रहे हैं, जैसे कि सूरत मेट्रो और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और सबसे बड़ी परियोजना हमारे भारत में जो की जा रही है यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इसी तरह का कोई भी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।